दरभंगा मुख्यालय स्थित सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरिया सराय में बुधवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित होने वाले नियोजित शिक्षकों का एक दिवसीय जिला सम्मेलन की सभी तैयारियां हो चुकी है। उपरोक्त जानकारी संघ के जिला महासचिव रफी उद्दीन ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और शिक्षक विरोधी नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक के आंदोलन का ऐलान दरभंगा की ऐतिहासिक धरती से ही किया जाएगा। सरकार को संदेश, बिहार का जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है उनके उनका जो जायज हक नियमित शिक्षकों की तरह बेदरमा, वह 2020 का जो बजट सत्र है उस बजट सत्र से पूर्व लागू कर सके। हम आपके माध्यम से भी सरकार को सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं, 2020 से पूर्व बजट सत्र से पूर्व समान काम समान वेतन लागू करिए, अन्यथा सबसे पहले अभी MLC का चुनाव हो रहा है, कोसी में, दरभंगा में, तिरहुत में, पटना में, चारों जगह सरकार समर्थित उम्मीदवार को हराने का संकल्प है। अगर हम उनको समान काम समान वेतन देने की सरकार नहीं घोषणा करती है तो पूरा बिहार का 27 संगठन आज एकजुट होकर के इस लड़ाई में एक साथ है और बिहार सरकार को सीधा सीधा संदेश, बिहार के शिक्षकों का जो जय जक है वह पूरा करिए, अन्यथा MLC चुनाव में तो हराएंगे ही, साथ ही साथ बिहार के तमाम 75,000 विद्यालयों में तालाबंदी करने की घोषणा हम लोग करेंगे। इसी लेकर के पूरे बिहार के 300 जिलों में हम लोगों का भ्रमण किया। सर अपने शुभ नाम बता दीजिए। पंकज कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड की सरकार ने शिक्षकों पर, पारा शिक्षकों पर दमनकारी नीति अपनाई तो आज वो भुगत रहे हैं और चुनाव में वही शिक्षक जो हैं उनको पराजित करके और उनको सत्ता से बाहर कर दिए। उसी तरह से बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार हमारी मांगों को दबाना चाहती है, लाठियों से, गोलियों से, आंसू गैस के गोले से हमेशा दबाना चाहती है और हमारे मान सम्मान का की कोई बात ही नहीं होती है। इसीलिए हमने ये सोचा है और शिक्षक एकजुट हो चुके हैं, 25 जिला में हमारा शिक्षक संवाद चल रहा है और हम एकजुट होकर ये सरकार को बिहार से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कामयाब भी होंगे। मेरा शुभ नाम मोहम्मद एजाजुल हक, प्रदेश मीडिया प्रभारी। क्या डिमांड है इस सम्मेलन के माध्यम से आपका? हम लोगों का डिमांड यह है कि समान काम का जिस तरह से समान वेतन, जिस तरह से सेवा शर्त, पुरानी सेवा शर्त की, उस पुरानी सेवा शर्त को लागू किया जाए, जिस प्रकार से पुराने शिक्षक को वेतन दिया जाता था उस तरह से वेतन दिया जाए, जिस तरह से अल्प वेतन में शिक्षक काम कर रहे हैं, महंगाई चरम पे है, सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार इस अल्प वेतन में सारे बिहार के 4 लाख शिक्षक को घटा रही है या ये कहें कि उनका शोषण कर रही है, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमें षड्यंत्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से हराया गया और हम अभी भी न्याय के लिए, अभी भी हम याचिका दायर करने के लिए एक तैयार हैं जो कि सर्विस के लिए है, सर्विस कमीशन में जाएगा, इसके लिए तैयार है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है, उससे पहले हम सड़क पे और सदन में इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इस लड़ाई से हम जीतेंगे और कामयाब होंगे।